हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धरन पटेल। वेलकम टू स्टूडेंट्स सही होगी। एमपीडीटी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है लगभग मैं सॉल्व करता हूँ, व्हाट्सअप करते हैं लोगों, कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि एमपीडीटी जो बीटेक के लिए है, पहला राउंड ख़त्म हो गया था, सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, साथ में ट्वेल्थ बेस जो भी ट्वेल्थ बेस वाले भी थे उनके भी रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर को क्लोज हो गए। अब जो है एडिटिंग स्टार्ट होगी 26 से, उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग होगा सेकेंड राउंड के लिए। बट कुछ लोगों के जो है कमेंट्स आए हैं बहुत ज़्यादा, उनके जो डाउट्स हैं, तो अपन क्यू एंड ए सेशन कर रख रहे हैं इस वीडियो को, जिसमें आपके कमेंट्स लूँगा और आपके जो भी कमेंट्स के आंसर है मैं दूंगा। और अगर आपका कोई कमेंट्स, आपका कोई डाउट्स है तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। लगभग मतलब जब तक ये बीटेक और एमपीडीटी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक अपन ये क्यू एन ए सेशन रख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डेली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉल्स पे और व्हाट्सअप पे नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो अपन ऐसे एक कॉमन जो डाउट है, ताकि आपके जो बहुत सारे के कॉमन रहते हैं तो जो कॉमन डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो से, है ना। पहला मेरे पास में एक कमेंट आया कि सर मैंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, उस टाइम मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं था और उसमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अब इनकम सर्टिफिकेट बन गया है तो इसे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, एमपी डोमिसाइल हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके जो सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लगते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं रहते, बाद में बन जाते हैं सेकेंड राउंड में, फिर क्या करना है उनको। तो देखो, या तो आप चाहे नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, जैसे पहले आपका जो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपने एक नॉर्मल जो पेज आता है स्वघोषित वाला वो लगाया होगा, और अगर आपका बन गया लगाना चाहते तो आप जो है अब एडिटिंग वाला जो 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तब आप उसको एडिट करके कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपके ईडब्ल्यूएस भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, ठीक है। अंकित पटेल ने कमेंट किया है कि सर सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज चेंज कर सकते हैं क्या, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है, मैं कमेंट सेक्शन में नीचे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है स्टार्टिंग टू एंड कि कैसे करना है क्या। बाकी आपको यहाँ पे बताऊँ तो हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सेकेंड ईयर में आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, ब्रांच चेंज कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो, बस जो थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन रहती हैं उनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे मान के चलो आपकी जो यूनिवर्सिटी है आरजीपीबी है प्राइवेट कॉलेज में, तो आरजीपीबी टू आरजीपीबी इजीली हो जाता है। अब बहुत सारे कॉलेज जो है ट्रांसफर नहीं करने देते हैं, बट आप कर सकते हो, वो तरीके होते हैं ना। और दूसरी चीज़ क्या, ब्रांच चेंज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ब्रांच चेंज भी कर सकते हो आप सेकेंड ईयर में। क्या फर्स्ट ईयर सबको कॉमन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सबको फर्स्ट ईयर सेम सब्जेक्ट रहते हैं, सबको सेम रहता है, सेकेंड ईयर में जाके आप ब्रांच चेंज कॉलेज चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ एक बात और है कि आपको फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, एक भी आपके बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, तब जाके आप जो है सेकेंड ईयर में कॉलेज चेंज कर पाओगे। ओके सर, अगर फर्स्ट ईयर में सप्ली आए तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, अगर आपको सप्लीमेंट्री है तो नहीं कर सकते, आपको क्लियर होना चाहिए सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अंशी यदुवंशी का कमेंट है कि भैया बी फार्मेसी की चॉइस फिलिंग कब से होगी? तो देखो बी फार्मेसी की अभी 30 अक्टूबर तक जो है आपके रजिस्ट्रेशन ही चलने वाले हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, तो बी फार्मेसी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो डोंट वरी, बी फार्मेसी का पूरा बताऊंगा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है बी फार्मेसी में। हाँ, जो ऑफलाइन जो एडमिशन पहले से ही फाइल बन रही थी कॉलेजों में वो बन रही है, वो कॉलेज वाले बना के रखे हैं, बट अगर आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ भी चांस नहीं है, अक्टूबर में ही होंगे, अक्टूबर के बाद में। भैया मुझे बस चॉइस फिलिंग करवानी है, रजिस्ट्रेशन तो मैं कर लूँगा, तो उसके लिए क्या करें? देखो अगर मुझसे चॉइस फिलिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कैसे क्या करनी है, ठीक है। बाकी यही कमेंट है, और भी बहुत सारे कमेंट है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बाकी अपन लेते रहेंगे। आपका कोई कमेंट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं कल एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, जेन्युइन क्वेश्चन करना जो सबके कॉमन क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आप फॉर्म फिल करके आप जो है डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। बट अगर आपका कॉमन क्वेश्चन है जो सबका है तो आप कमेंट करिए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका बिल्कुल लूंगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।